गाइस वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन सी लैंग्वेज की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम लोग लेके आ रहे हैं और जो नया टॉपिक हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है ऑपरेटर्स। ठीक है गाइस, ऑपरेटर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग अगर ऑपरेटर की बात करते हैं तो फर्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अगर हमें कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो उसके लिए जो सिंबल्स हम लोग पहले काम में लेते थे वही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर की सीरीज में हमारे लिए सिर्फ एक अलग से जो भी जो नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है वो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है ये ऑपरेटर जो हम लोग निकालते हैं रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। ठीक है गाइस, रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स कि जिस भी किसी वैल्यू या जिस भी किसी वेरिएबल्स को हम लोग रिमाइंडर निकालना है उन वैल्यू वो वैल्यूज हमारे सिर्फ इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इंटीजर टाइप हम लोग किसी भी वेरिएबल का रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इक्वल्स टू 2 लिया मैंने उसको, और यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर मैंने डायरेक्टली लिख दिया परसेंट डी कॉमा ए परसेंट बाय बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। टेस्ट डॉट सी के नाम से ऑलरेडी है तो हम इसको ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। इस प्रोग्राम को जैसे हम लोग रन करवाएंगे हमारा रिमाइंडर हम पीछे जाके देखें तो 1 आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब भी अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ये मेरा 5 है इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 आया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो ए था वेरिएबल वो ए वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का था और बी वेरिएबल भी मेरा इंटीजर टाइप का ही था और इंटीजर वैल्यूज कभी भी 0 नहीं लेती हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा के और यहाँ 0 लगा के और यहाँ पर 5 टाइम और यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 निकल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू मेरी इंटीजर टाइप की नहीं है। अब ये वैल्यू मेरी या तो फ्लोट टाइप की है या फिर मेरी डबल टाइप की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मुझे कोई भी किसी भी वैल्यू का अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो ये फर्स्ट रूल मेरा यही है कि वो जो मेरी वैल्यू है या वो मेरा जो वेरिएबल है जिसका मुझे रिमाइंडर निकालना है वो वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसी सीरीज में। देखिए फ्रेंड्स, ये आगे हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपस में ये रिलेट करता है दो वेरिएबल्स को या हम कह सकते हैं दो ऑपरेंड्स को। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि मैंने लिखा int a equals to 7 और मैंने लिखा b equals to 45 तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा a बड़ा है b से या a बड़ा या बराबर है b के, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, ए मेरा छोटा है बी से, ए मेरा छोटा या बराबर है बी से, ए बराबर है बी के या फिर ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ है जिनके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान दीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़। मैं अगर कहता हूँ कि सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू और फॉल्स क्या होता है, क्या हमारे सी के अंदर ट्रू और फॉल्स होता है,
नॉर्मली जो और हायर लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पर इसको बोला जाता है बुलियन। ठीक है, इसको बुलियन बोला जाता है। बुलियन का मतलब होता है कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, लेकिन हमारी सी लैंग्वेज के अंदर बुलियन टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है, हमारी सी लैंग्वेज के अंदर बुलियन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू, अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है तो ट्रू का मतलब होता है वन। ठीक है, या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, ये सारी की सारी कंसिडर की जाती है ट्रू, एज ए ट्रू। और अगर मैं फॉल्स की बात करता हूँ तो फॉल्स जो जीरो होती है, हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जीरो, न्यूमेरिक वैल्यू जीरो फॉल्स कंसिडर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर मैं सी के नाम से। ठीक है, अभी देखो गाइस, मुझे यहाँ लिखना है सी इक्वल्स टू, ठीक है, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो बताइए गाइस ये मेरा जो जो मैंने कंडीशन लिखी है ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। ये कह रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल फॉल्स है। तो मेरे सी जो वेरिएबल है, सी वेरिएबल को 1 असाइन कर दिया जाएगा क्योंकि सी लैंग्वेज ट्रू के लिए हमेशा 1 असाइन करता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए कि सी लैंग्वेज ट्रू के लिए हमेशा 1 ही असाइन करता है। चलिए हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एरर दे रहा है मेरा कि मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, इसको मैंने चलाया और F5 को तुमने देगा, आउटपुट मेरा 1 आया है। ये 1 मेरा दिखा रहा है प्रीवियस आंसर, तो उसको हम लोग CLRSCR फंक्शन के थ्रू बता देते हैं। और यहाँ पर गेट CH भी एक बार लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको नहीं कराते हैं। अभी देखिए मेरा आउटपुट 1 आ गया है। 1 का मतलब ये है कि मेरा जो यहाँ पर ये वाला जो कोड था, इस कोड ने 1 जनरेट किया है। तो हमेशा आपको ध्यान में ये देना है कि जितने भी मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब कौन कौन से, इक्वल्स टू है, चाहे नॉट इक्वल्स टू है, चाहे ग्रेटर देन है, चाहे लेस देन है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू है, तो जितने भी मेरे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर मेरा आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स में देंगे। या तो ये हमारे आउटपुट देगा 0 या फिर हमारा आउटपुट देगा 1, ये दो ही आउटपुट देंगे, दो के अलावा कोई भी आउटपुट कहीं किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी को हम लोग थोड़ा और आगे करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने अब लिखा कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, अब इसको रन करवा के देखते हैं, इसको रन करवाया, अब मेरा आउटपुट आ गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिखता हूँ, दोनों वैल्यू मेरे इक्वल्स टू नहीं है, तो मेरा आउटपुट आया 0। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ दो ही आउटपुट देते हैं हमारे को, है ना, या तो हमें वो देंगे 0 या देंगे 1। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें 1 रिटर्न करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर हमें क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स को आपस में रिलेट करने के लिए काम में आता है। दोनों ऑपरेंड को हम रिलेट करने के बाद जो भी आउटपुट आता है, ट्रू आता है तो 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स आता है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखिए कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, पहले हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पास जो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है वो है यहाँ पर एंड ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा एंड ऑपरेटर, और इसको अगर हमें और अच्छे से देखना है तो मेरे पास इसके लिए बना हुआ एक पहले से आर्किटेक्चर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा वो आर्किटेक्चर। ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स, हाँ चलिए यहाँ हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि ये मेरा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि मैंने आपको अभी बताया था कि 1 मेरा ट्रू होता है और
जीरो मेरा फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन का मतलब ये है कि अगर मेरा एंड ऑपरेटर को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से, इस एंड वाले सिंबल से, ठीक है फ्रेंड, हम इस एंड सिंबल से उसको डिनोट करते हैं। तो मान लो कि अगर यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर मैंने लिखा वन और लिख दिया एंड जीरो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर मेरा वन है और वन है तो मेरा आउटपुट भी वन आएगा, यानी कि अगर मेरे एंड ऑपरेटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड, है ना, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर वन है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। अगर दोनों साइड वन है तो मेरा आउटपुट आएगा वन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम रन करवा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने चलाया इसको, और यहाँ पर चलाने के बाद हम एक काम करते हैं कि इसको, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वन एंड वन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसको देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। हमने इसको कंट्रोल F9 किया, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल सी, हम लोगों को सी को हम लोगों ने कमेंट कर दिया, इंट हमने सी लिखा, ठीक है। अब इसको हम रन करवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा आउटपुट आया वन, क्यों आया, क्योंकि मेरे एंड के लेफ्ट वाली और एंड के राइट वाले दोनों ऑपरेंड मेरे राइट हैं, दोनों ऑपरेंड मेरे ट्रू हैं, इसलिए आउटपुट ने मेरा क्या जनरेट किया, ट्रू जनरेट किया। अब देखिए, अब अगर मेरा लेफ्ट वाला ट्रू और राइट वाला अगर फॉल्स करता हूं तो अब मेरा आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरा आउटपुट फॉल्स आएगा, और वहीं पर अगर मैं लेफ्ट वाला जीरो यानी कि फॉल्स और राइट वाला वन यानी कि ट्रू अगर करता हूँ तो भी मेरा आउटपुट फॉल्स ही आएगा, यानी कि जीरो ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों को जीरो कर देता हूँ तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैंने आपको जब बताया था ट्रू और फॉल्स के बारे में, तो मैंने कहा था कि हमारा जो कंपाइलर है वो वन को क्या नाम है ट्रू कंसिडर करता है, इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को भी ट्रू कंसिडर करता है, ठीक है। उसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने 5 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने -6 लिखा, ठीक है। मैंने 5 लिखा एक तरफ, लेफ्ट साइड पे 5 लिखा और राइट साइड पे -6 लिखा। अब इसको अगर रन करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि ये क्या क्या मान रहा है, 5 को भी ट्रू मान रहा है, -6 को भी ट्रू ही मान रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 है वो ही सिर्फ फॉल्स है, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी ट्रू है, लेकिन लेकिन हमारा जो कंपाइलर जनरेट करके देता है वो ट्रू के लिए हमेशा 1 ही जनरेट करके देता है, ध्यान रखना। क्योंकि सी के अंदर देखो कंपाइलर ने 1 दिया है ना, तो उसने 5 दिया है ना उसने -6 दिया है, कुछ नहीं दिया उसने, 1 दिया है। तो कंपाइलर तो हमेशा अपना 1 ही जनरेट करके देगा ट्रू के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू देते हैं, उन सारी वैल्यूज को 0 को छोड़ के सारी वैल्यूज को आपका कंपाइलर ट्रू ही मान के चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आज सेकंड लेके चलता हूँ। सेकंड में क्या है कि सेकंड हमारा और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में अगर लेफ्ट ट्रू है राइट ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू है, लेफ्ट ट्रू राइट फॉल्स तो आपका आउटपुट ट्रू, फर्स्ट यानी लेफ्ट फॉल्स है राइट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है, अगर दोनों ही ट्रू फॉल्स हैं तो आपका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मेरा एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स को ढूंढता है, अगर उसको एक फॉल्स मिल गया तो वो आउटपुट फॉल्स रिटर्न करेगा, समझ में आ गया। अगर उसको एक फॉल्स मिल गया तो आउटपुट फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मान लो कि मैंने एंड ऑपरेटर के केस के अंदर मैंने यहाँ पर खूब सारे यहाँ पर एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रू लिखा, फिर मैंने बीच में एंड ऑपरेटर बना दिया, ठीक है, फिर मैंने एक एंड ऑपरेटर बना दिया, फिर मैंने एक ट्रू लिया, फिर मैंने एक एंड ऑपरेटर बना दिया, ठीक है, फिर मैंने एक एंड ऑपरेटर बना दिया, फिर मैंने एक ट्रू लिया और फिर मैंने एक एंड ऑपरेटर बना दिया, ठीक है। तो ये जब तक एंड ऑपरेटर्स को मिलते रहेंगे, आगे चेक करता रहेगा, लेकिन आगे भी जब भी चेक करेगा जब तक उसको वन मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसको ट्रू मिल गया, ठीक है। अब इसने यहाँ पर चेक किया और यहाँ पर चेक किया, मतलब यहाँ पर इसने फिर से आगे एंड ऑपरेटर लगाया, यहाँ पर इसने जीरो लगाया और जीरो लगाने के बाद फिर इसने एंड लगा के, ठीक है, और आगे उसने वन लगाया। तो फ्रेंड से क्या करेगा, वन को चेक करेगा, आगे चले जाएगा, इसको चेक करेगा, आगे चले जाएगा, इसको चेक करेगा, आगे चले जाएगा, आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको ट्रू मिल रहा है, और ये किसको ढूंढ रहा है, ये फॉल्स को ढूंढ रहा है, ठीक है। इसको वन मिल जाएगा, यहाँ पर जैसे इसको फॉल्स मिला, फॉल्स मिलते क्या करेगा कि आगे वाले वन को ये चेक ही नहीं करेगा,
और यहीं पर रिटर्न में आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर जब भी ट्रू होगा जब उसको सारे के सारे वन मिलेंगे। ठीक है, अगर उसको यहाँ पर भी ये वन मिलता, ठीक है, और यहाँ पर भी वन मिलता, इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 टोटल मेरी सिक्स कंडीशन है, सिक्स की सिक्स कंडीशन को ट्रू मिल गई तो ये आउटपुट मुझे क्या रिटर्न करता, ये आउटपुट मुझे यहाँ पर वन रिटर्न करता। ठीक है, लेकिन अगर उसको एक भी कहीं भी फॉल्स मिल गया, अगर उसको कहीं भी एक भी फॉल्स मिल गया तो मेरे को ये जीरो रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर जितने भी मेरे और हैं उन और की जगह सब जगह सॉरी जितने भी मेरे एंड ऑपरेटर जो मैंने अभी बताए थे उनकी जगह सबकी जगह अगर मैं और लगा देता हूँ, और को मैं पाइप सिंबल से डिनोट करता हूँ, ये मेरे और का सिंबल है। ठीक है, तो जितनी जगह मैं और लगा देता हूँ और जितने भी मेरे यहाँ पर है ना, जितने भी मेरे यहाँ पर वन है उन सब की जगह अगर मैं जीरो कर लेता हूँ, इसको मैंने जीरो किया, इसको मैंने जीरो किया, इसको भी मैंने जीरो कर दिया, और इसको भी मैंने जीरो कर दिया, इसको मैंने वन कर दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने जीरो कर दिया। तो हमने क्या किया था, एंड ऑपरेटर की कंडीशन में एंड ऑपरेटर क्या ढूंढता है, एक जीरो ढूंढता है और फॉल्स दे देता है। ठीक है, और हमारा और ऑपरेटर क्या करता है कि उसको एक ट्रू चाहिए, यहाँ पर जीरो है तो वो क्या करेगा, अगली कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ जीरो है अगली कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ जीरो है अगली कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ जीरो है अगली कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ वन है, यहाँ से वापस जाएगा और वापस जाने के बाद आउटपुट वन दे देगा और आगे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर चलाते हैं, एंड ऑपरेटर में पहले मैंने वन लिया, फिर मैंने वन लिया, ठीक है, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने वन लिया, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने वन लिया, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने जीरो ले लिया, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, ठीक है, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने वन लिया, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने वन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले मेरे यहाँ पर इसको ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलते ही चूंकि ये एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर को जब भी ट्रू मिलता है तो आगे अगर और कंडीशंस लिखी होती है उनको चेक करता है। ध्यान रखना जब भी एंड को ट्रू मिलेगा वो आगे जरूर जाएगा। ठीक है, आगे गया, आगे जाने का यहाँ भी इसको ट्रू मिला, फिर आगे गया, यहाँ फिर इसको ट्रू मिला, फिर आगे गया, फिर यहाँ पर फिर इसको ट्रू मिल गया, फिर आगे गया, यहाँ पर उसको फॉल्स मिल गया। फॉल्स मिलते क्या करेगा कि वो आगे की ये जो कंडीशन है इनको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो एक बहाना चाहिए बाहर निकलने का, इसको एक फॉल्स मिल गया। यानी कि अगर मैं 1000 कंडीशन लिखता हूँ, 1000 कंडीशन में 999 कंडीशन अगर मेरी वन है यानी कि ट्रू है, और एक कंडीशन भी अगर कहीं पर भी इसको फॉल्स मिल गई, कहीं पर भी इसको जीरो मिल गया, तो ये रिटर्न करेगा जीरो ही। ठीक है, ये रिटर्न करेगा जीरो ही। इसको रन करवाते हैं तो अभी मेरा आउटपुट देखिए जीरो आ रहा है। ठीक है, और जहां जीरो मिलेगा वहीं से रिटर्न हो जाएगा, उसके आगे के अगर आपने कितने भी ट्रू लिखे हो उनमें से किसी को चेक नहीं करेगा ये। ठीक है, उनमें से किसी को भी ये चेक नहीं करेगा। और हमारा ट्रुथ टेबल भी यही कहता है, हमारा ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि अगर सारे वन है तो ही वन है, अगर कहीं पर भी एक सिंगल भी जीरो मिल गया तो ये आउटपुट क्या देता है, आपका जीरो जीरो जनरेट करके देता है। ठीक है, अब हम और ऑपरेटर की बात करते हैं, और ऑपरेटर को हम पाइप सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर चला के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा इसके नीचे पाइप सिंबल, और जितने भी एंड थे सब जगह हमने पाइप सिंबल लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉरी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं जीरो, और यहाँ पर भी लगा देते हैं जीरो, यहाँ पर भी जीरो, बाकी हमारा वन है और वन के बाद यहाँ पर भी हम उसको जीरो कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा, इसको फॉल्स मिलेगा तो आगे जाके फिर चेक करेगा, फॉल्स मिलेगा फिर आगे जाके फिर चेक करेगा, फॉल्स मिलेगा आगे जाके फिर चेक करेगा, फॉल्स मिलेगा आगे जाके फिर चेक करेगा, यहाँ पर उसको क्या मिला, ट्रू मिला, ट्रू मिलते ही वो रिटर्न करके सी में वन डाल देगा, और आगे अगर जितने भी फॉल्स हों या जितने भी ट्रू हों आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम रन करवाते हैं। ठीक है, आउटपुट मेरा इसने वन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ट्रू टेबल से चेक करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसको कहीं पर भी एक सिंगल भी वन अगर मिल गया तो आउटपुट ये वन ही देगा, यहाँ पर सिंगल वन मिल गया या आउटपुट वन ही देगा, सारे वन मिल गए तो आउटपुट वन देगा ही देगा। ठीक है, तो ये हमारे और ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, वो और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा इंट,
कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एफ, ठीक है, एफ हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा कि ए के अंदर वन डाल दो, ठीक है, और यहाँ पर ए में मैं वन डलवा देता हूँ, ठीक है, और बी में मैं टू डलवा देता हूँ, ठीक है, और डी में मैं डलवा देता हूँ जीरो, ठीक, और ई में डलवा देता हूँ मैं सिक्स, और एफ में डलवा देता हूँ मैं टू, ठीक है। यहाँ चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा कि ए है ना, यहाँ पर क्या करो कि ए के अंदर डलवा दो हमारा, हमारा डाल दो ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, ठीक है, ए में एक डलवा दो, एक और जुड़वा दो, ए को दो कर दो, ठीक है। और यहाँ पर बीच में मैं एंड ऑपरेटर ले लेता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा बी है, ठीक है, उस बी के अंदर भी हम लोग क्या कर देते हैं कि बी प्लस वन करवा देते हैं, एक बढ़वा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जीरो रहने देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं कि जो मेरा डी है, ठीक है, डी के अंदर क्या डलवा दो, डी के अंदर डलवा दो कि डी प्लस वन करवा दो, ठीक है, और यहाँ पर डी के अंदर जीरो की बजाय हम लोग थ्री कर लेते हैं, ठीक है। तो और यहाँ मेरा जीरो ही रहने देता हूँ मैं, इसको बीच में जो मेरा है ऑपरेटर, इसको मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं जीरो ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं लेता हूँ कि ई इक्वल्स टू ई प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ कि एफ इक्वल्स टू एफ प्लस वन, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, और ये मेरा है, इसको मैं एंड ऑपरेटर बना देता हूँ, और ये मेरा जो है इसको मैं एंड ऑपरेटर बना देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरा सबसे पहले सी तो प्रिंट करेगा ही करेगा, और स्लैश एन के बाद यहाँ पर नीचे प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख देता हूँ कि परसेंट डी 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर हुआ परसेंट डी 4 में 5 मेरे ऊपर जो वेरिएबल है उनके लिए सबके लिए मैंने एक एक परसेंट डी ले लिया, या मैंने प्रिंट करवा दिया ए को बी को फिर डी को फिर ई को, है ना, फिर एफ को। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज में इंक्रीमेंट हुआ है, एक बड़ा है, ठीक है, एंड ऑपरेटर की कंडीशन में, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। जो मेरा सी है, सी में तो ये श्योर है कि जीरो आना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बीच में एक जगह जीरो डाला हुआ है, ये देखो ये हमने जीरो डाला हुआ है, ठीक है। चलिए इसको रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेट, मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गया हमारे सी का, सी हमने ऊपर भी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अभी आउटपुट है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एफ इक्वल्स टू एफ प्लस वन, इसमें हमें क्या करना है कि ये एफ इक्वल्स टू एफ प्लस वन, चलिए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम लोगों को इन सबको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना है, तो हमने इन सबको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। देखिए यहाँ पर पहले ओपन था, तो इस वजह से एल वैल्यू रिक्वायर्ड के नाम से हमें एरर दे रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रोग्राम को रन करवाना है, और हमें ये देखना है
कि ये प्रोग्राम कहाँ तक चला है, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल जब मैंने लिया था जहाँ पर मैंने ये जो मैंने जितने भी यहाँ पर जितने भी ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, सब जगह मैंने वन लिखा था और बीच में एक जगह जीरो लिखा हुआ था जो अभी भी लिखा हुआ है, और आगे वालों में सब में मैंने वन लिखा हुआ था, ठीक है। और वन के अलावा नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आप सब जानते हैं कि सारे ट्रू होते हैं, तो अब इसको रन करवाते हैं क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि इसने कौन कौन से एक्सप्रेशन को प्लस वन किया और ये कहाँ तक चला है, ठीक है। चलिए रन करवाते हैं। चलिए अब मेरा आउटपुट देखिए, मेरा आउटपुट टू आ रहा है, वो तो ऊपर तो जीरो आ ही रहा है क्योंकि मैंने एंड के बीच में एंड ऑपरेटर ये पूरा मैंने जो लिख रखा था इसमें पूरे में एक जगह जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एंड ऑपरेटर में कहीं भी जीरो मिलता है आउटपुट जीरो ही आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मेरा जो आउटपुट आया है 2, 3, 4, 6, 2, ठीक है। ए के लिए मेरा 2 आया है, बी के लिए 3 आया है और डी के लिए 4 आया है, ठीक है। तो देखिए ए के लिए मेरा आउटपुट आया है 2, यानी कि प्लस 1, यहाँ तक तो ये चला है, इसमें तो ये चला चला तो आउटपुट आया इसका 2, और इसका आउटपुट 2 आया तो 2 को उसने क्या माना, ट्रू माना, ट्रू माना तो ये एंड वाले से आगे वाले पे गया है, यहाँ पर चला, यहाँ पर उसने क्या देखा कि यहाँ पर उसको b+1 कर दे, b में कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 को उसने क्या माना, 2+1 करके इसको 3 बना दिया, 3 को उसने ट्रू माना, ट्रू मान के फिर आगे चला गया, यहाँ गया, यहाँ 3+1 गया, 3+1 का मतलब क्या है 4 है, 4 को भी उसने ट्रू माना फिर आगे चला गया। अब यहाँ जाने का तो उसको 0 मिला, 0 मिलते क्या हो गया कि यहीं से लौट के चला गया और सी के अंदर उसने क्या डलवा दिया, 0 डलवा दिया। अब देखिए ई की वैल्यू 6 है और एफ की वैल्यू 2 है, अगर ये ई और एफ वाले यहाँ अगर इनमें गया होता तो ई की वैल्यू 7 हो चुकी होती और एफ की वैल्यू 3 हो चुकी होती, लेकिन जब हम पीछे आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर ई की वैल्यू अभी भी 6 ही है और एफ की वैल्यू अभी भी यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। समझ में आया कि जब तक उसको 0 मिला जब तक तो उसने चेक करता चला गया, है ना, 0 मिलते ही उसने क्या किया कि आगे अगर 2 भी है तो उनको चेक नहीं करेगा, क्लियर है। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि सब जगह मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पर बीच में, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं और लगा देता हूँ, एंड तो मेरे पहले ही था, यहाँ मैंने और लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी और लगा, यहाँ पर भी और लगा और यहाँ पर भी और लगा, ठीक है। अब अगर इस वाले प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो ये प्रोग्राम मेरा 1 देगा एज ए इनपुट, ठीक है, सी के अंदर 1 देगा और ये सिर्फ ए को ही इंक्रीज करेगा, बाकी किसी को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 को सर्च करता है, इसको कहीं 1 मिल गया तो आगे एक जाएगा ही नहीं, ठीक है। रन करवाते हैं, देखिए इसको रन करवाया, इसने क्या किया कि 1 तो मेरा इसने आउटपुट दिया सी के अंदर, और जो मेरा ए है ए की वैल्यू से 2 कर दी, जो कि ए की वैल्यू मेरी 1 थी, ठीक है, ए की वैल्यू मेरी 1 थी उसको उसने 2 किया, बाकी बी की वैल्यू 2 थी 2 ही है, और डी की वैल्यू 3 थी 3 ही है, ई की वैल्यू 6 थी 6 ही है, एफ की वैल्यू 2 थी 2 ही है, इसका मतलब उसको जहां पर भी सबसे पहले 1 मिला वो वहीं से लौट के चला गया और सीम उसने 1 डलवा दिया, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट द आउटपुट, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट हम लोग कैसे काम में लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं पूरे को अपने को, और यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, वेट मुझे इंट तो रखना ही पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिखा एंड सी, ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरी लाइन है इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है कि एक वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं ए के नाम से, और उसके अंदर मैं 5 डलवा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए को दिलाता हूँ, है ना, बी के लिए, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर दिलवाया ए, तो अब जब मैं आउटपुट देखूँगा यहाँ पर कंट्रोल F9 करके, तो मेरा जो सी है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा सी है सी की वैल्यू मुझे 5 दिखा देगा, ठीक है, एज इट इज उसने मुझे वैल्यू दिखा दी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इससे पहले एंड लगा देता हूँ, एंड लगा के अब इसको रन करवाता हूँ, तो मेरा जो सी है सी को ये क्या दे देगा, सी को दे देगा 0, यानी कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है कि आपका जो ट्रू होता है उस ट्रू को तो फॉल्स बना देता है, और जो फॉल्स होता है उसको क्या बना देता है, ये ट्रू बना देता है ना। तो 5 मेरी क्या थी, 5 मेरी ट्रू थी,
है ना, फाइव मेरी ट्रू थी तो उसने फाइव एज इट इज दे दिया सी को, है ना, क्योंकि मैंने उससे पहले कोई ऑपरेटर नहीं लगाया, इसलिए उसने एज इट इज फाइव दे दिया, उसने वन नहीं दिया। वन किस कंडीशन में देगा, यहाँ पर देखो, वन किस कंडीशन में देगा, जब मैं यहाँ ए के अंदर जीरो डलवा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब नॉट ए करके चलाऊंगा और अब कंट्रोल एफ नाइन करूंगा, तो अब मेरा आउटपुट आ जाएगा वन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देता है आपके जो भी आप एक्सप्रेशन देते हो उसको रिवर्स करता है, ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जिसमें फर्स्ट एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल मैंने आपको समझा दिया है, मैंने उसका अच्छा सा आपको एग्जांपल भी लिया है, और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर इसका भी मैंने आपको ट्रूथ टेबल बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि एंड ऑपरेटर्स काम कहाँ आते हैं हमारे। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स हमारे काम कहाँ आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एंड ऑपरेटर क्या करते हैं कि दो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में काम में लिए जाते हैं। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर मुझे दो कंडीशन बनानी है और उस कंडीशंस के बीच में अगर मुझे कोई आउटपुट जनरेट करवाना है ट्रू और फॉल्स में, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एंड ऑपरेटर को काम में लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं, मैंने लिखा एंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू टू, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी इक्वल्स टू थ्री, और यहाँ लिख दिया मैंने सी ई, और यहाँ लिख दिया मैंने डी इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कि ए इज लेस देन थ्री, ठीक है, ए इज लेस देन थ्री, और यहाँ पर मैंने बीच में एंड ऑपरेटर लगाया, और यहाँ पर लिखा मैंने कि बी इज लेस देन डी। ठीक है फ्रेंड्स, थ्री की जगह मुझे बी करना है, ठीक है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन डी। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका मतलब ये है कि टू इज लेस देन बी, यानी कि कंडीशन मेरी ट्रू है, और मेरी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, ट्रू के लिए वन जनरेट करेगा। वन जनरेट करने का मतलब आगे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब उसको वन मिला तो ये क्या करेगा कि आगे वाली कंडीशन भी चेक करेगा। ठीक है, आगे वाली कंडीशन उसने चेक की, आगे वाली कंडीशन उसने क्या लिखा कि थ्री इज लेस देन फाइव, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, वन है, और एंड ऑपरेटर में अगर सारी कंडीशन वन होती है तो आउटपुट भी मेरा क्या आता है, वन ही आता है। ठीक है, इसको रन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आ चुका है, वन आ चुका है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेटर देन की जगह, अगर मैं लेस देन कर देता हूँ, सॉरी सी तो लेस देन है, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन कर देता हूँ कि बी मेरा बड़ा है डी से, अब इसको अगर मैं चलाऊंगा तो अब मेरा आउटपुट जीरो दे देगा। ठीक है, अब मेरा आउटपुट जीरो दे देगा। तो ये जितने भी मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, आपस में एक से ज्यादा रिलेशनल कंडीशन होती है उनको आपस में कंपेयर करने के लिए। जैसे मेरी एक रिलेशनल कंडीशन ये हो चुकी है और दूसरी मेरी ये हो चुकी है। ठीक है, और इसके बीच में मैं और ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। और ऑपरेटर अगर मैंने लगाया तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि मेरी फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये क्या करेगा, यहीं से मेरा आउटपुट जनरेट कर देगा वन। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी मैं ये लिख देता हूँ कि अगर मेरा ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है डी से, दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो अब मेरा आउटपुट आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब मेरा आउटपुट आ जाएगा जीरो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स दोनों काफी अच्छे समझ में आए होंगे। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आपके आपको आउटपुट देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। ठीक है गाइस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हम यहां लिखेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और माइनस माइनस होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इनको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है हमारा पोस्ट और एक होता है हमारा फर्स्ट तो है हमारा पोस्ट और सेकंड है हमारा प्री। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस प्लस, ये तो हो गया मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस प्लस ए, ये हो गया मेरा प्री इंक्रीमेंट।
ऐसे अगर मैं लिखता हूँ कि ए माइनस माइनस तो ये हो गया मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट, और ये अगर मैं माइनस माइनस ए लिखता हूँ तो ये हो गया मेरा प्री डिक्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कहीं पर भी ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है कि ए के अंदर एक और जोड़ दो, ठीक है। और अगर मैं ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि ए में एक माइनस कर दो, ठीक है। ए प्लस प्लस का मतलब कि ए में एक जोड़ दो, ए माइनस माइनस का मतलब ए में एक घटा दो, प्लस प्लस ए का मतलब भी एक में ए में एक जोड़ दो, और माइनस माइनस ए का मतलब भी ए में एक माइनस कर दो, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं इसके लिए, ठीक है। हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ए के अंदर दो वैल्यू इनपुट करवा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। और यहाँ पर मैंने लिखा परसेंट डी और कॉमा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो ए प्लस प्लस, अभी मैंने आपको बताया था कि ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि ए प्लस प्लस का मतलब ए में एक जोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो मेरा आउटपुट अभी भी स्टिल दो ही दिखाएगा, ठीक है। आउटपुट मेरा अभी भी दो ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज में लिया पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट हैंड टू हैंड इंक्रीमेंट नहीं होता है, है ना। हैंड टू हैंड इंक्रीमेंट नहीं होता है, उसके लिए आप उसको अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता है, अपनी लाइन को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं प्रिंट एफ लिख के अब यहाँ पर अगर लिखूंगा परसेंट डी, ठीक है, और कॉमा लिख के यहाँ पर अगर मैं प्लस सॉरी ए को प्रिंट करवा देता हूँ, डायरेक्ट ए को ही प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर मैं, तो आप देखिएगा अब मेरा आउटपुट दिखा देगा टू और थ्री, ठीक है। मेरा आउटपुट दिखा देगा टू और थ्री, यानी कि अब मेरा ए इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। किस कंडीशन में? जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, यानी पीछे अगर लगाता हूँ तो प्लस प्लस, और वहीं पर अगर मैं ये प्लस प्लस पहले लगा देता हूँ तो ये क्या करेगा कि हैंड टू एंड थ्री कर देगा, और मेरा आउटपुट आ जाएगा थ्री एंड थ्री, ठीक है। हैंड टू एंड इंक्रीज करेगा और आउटपुट आ जाएगा मेरा थ्री एंड थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तो हैंड टू एंड ये मेरे को माइनस करके देगा और मेरा आउटपुट आ जाएगा दोनों जगह वन और वन, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं पीछे लगाता हूँ यहाँ पर तो मेरा आउटपुट आएगा टू और वन, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मुझे ना एक चीज़ और बतानी है आपको कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात के ऊपर कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए प्लस प्लस, ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट आएगा, मेरा आउटपुट थ्री आएगा। क्यों आएगा थ्री? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ऊपर वाली लाइन में है और उसको प्रिंट मैंने नीचे करवाया है, तो इस लाइन में ये प्लस वन हो चुका है। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये प्लस वन होकर ही आया, ठीक है, तो अब इसका आउटपुट आएगा मेरे पास थ्री, ठीक है, रन करवाइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीधा ए प्लस वन, ठीक है, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट थ्री आएगा, ठीक है, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि इसका आउटपुट थ्री आएगा, लेकिन इसका आउटपुट स्टिल टू ही आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ, पहले आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट टू है, क्योंकि ए प्लस थ्री का मतलब हमने ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, यानी कि ए में एक जोड़कर ए को ही दे दो, ऐसा हमने नहीं लिखा है। हमने लिखा है ए प्लस वन, यानी कि एक में एक जोड़ दो, लेकिन दो किसको? हमने दिया तो किसी को है ही नहीं, हमने ए को भी नहीं दिया, किसी दूसरे किसी वेरिएबल को भी नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या उसने, इसने ए को जोड़ तो दिया है ना, लेकिन उसको ए में नहीं डलवाया, उसने सिर्फ उसके साथ एक अटैच करके उसको उसको थ्री बना दिया, क्लियर है। मैं जब तक इसको ऐसा नहीं लिखूंगा तब तक मेरे ए की वैल्यू थ्री नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मेरे ए की वैल्यू थ्री होगी, तो जो मेरा ए प्लस प्लस है, ए प्लस प्लस का मतलब ही वही होता है, सेम डिट्टो जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है ये मतलब ए प्लस प्लस का होता है, ठीक है। इसको मैंने रन करवाया, अब मेरा फोर आ जाएगा, ठीक है। एक इंक्रीज उसने ऊपर वाली लाइन के लिए किया और एक इंक्रीमेंट उसने नीचे वाली लाइन के लिए किया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा
वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस।